भाई इस वोटिंग कराने से बेहतर है मैं ये वोटिंग कराऊं कि तू मेरा यार है कि नहीं है, तू भाई फर्क है। नहीं नहीं भाई ये वही आते जो लाखों रुपए ऐसे यूं उड़ाया करते थे। अपना व्हाट्सएप का एक भी ब्याह नहीं हो रहा तो मेरा दूजा तीजा कराने नु फिरदा। Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be in best of your mood, inshallah, ज़रूर। वैसे ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा बात इसलिए इस तरह से शुरू करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। वो अलग बात है मूड अच्छा हो ना हो, मेरा खुद का अक्सर नहीं होता। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप हमेशा अपने मूड को अच्छा रखें, खुश रहना ज़रूरी है ज़िंदगी में यार। जो इंसान खुद खुश नहीं है वो किसी को खुश नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड देन आप बाहर निकलें तो आप मुआशरे के लिए एक पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं, अपने घर वालों के लिए एक पॉजिटिव बन सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू ट्राई टू बी हैप्पी ऑल द टाइम वेदर इट इज़ पॉसिबल और नो, दैट जस्ट डू समथिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो सुबह क्रूज़र के ऊपर मैं बड़ी मेहनत कर रहा था, पॉलिश वगैरह करवाई थी, उस टाइम पर मौसम बराबर था, धूप शूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा अच्छी आज गाड़ी चमका चमकू के खड़ी करेंगे। उसके ऊपर से फिर बारिश हो गई। लाहौर का मौसम वैसे तो बेहतर हो रहा है लेकिन इट्स टोटली अनप्रडिक्टेबल। जिस दिन भी मैं गाड़ी साफ करता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ, उस दिन तो बारिश ज़रूर होती है। यार ऑल्टो इस वक्त मैक्सिमम जितनी अंदर से गंदी हो सकती है ना उतनी गंदी हुई हुई है। सीन ये ना ऑल्टो का कि ऑल्टो पब्लिक सर्विस के लिए ये इधर खड़ी है, अभी मुझे खुद पता नहीं चलेगा या आगे मैं कहीं जाऊंगा वहां से कोई और ले जाएगा। दिस इज़ द कार विच इज़ बीइंग यूज्ड इन मोस्ट हैंड्स इन माय सर्कल, तो कुछ पता नहीं किसको कौन चला रहा है। लेकिन आज मैंने इसको चमकाना भी है, इसको अच्छी तरह जाके वॉश वूश भी कराऊंगा और एक और काम अवाम की भरपूर फरमाइश पे करना है जिसका मुझे मैं इतना बॉदर नहीं होता था, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में इतना ज़्यादा, लेकिन लोगों ने कमेंट्स कर करके कि भाई ये शॉपर यार उतार देते हैं शॉपर यार। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉश करने कितना टाइम लगेगा सर? टाइम तो लग जाएगा, पानी नीचे से ख़त्म हो गया है टंकी में, करने में टाइम लगेगा। गड्डियाँ कितनी लगी हैं? गड्डियाँ तो कोई नहीं, बस आई गड्डी से 10-15 मिनट लग जाएंगे। चलो मैं वेट कर लेना, 5-10 मिनट जो हो गया था। सर्विस में ज़्यादा टाइम हुआ तो अभी नहीं करवाऊँगा, लेकिन पहले पेट्रोल डलवा लें। जो भी बंदा ये गाड़ी लेके जाता है वो इतना सा तेल वापसी पे रख जाता है कि बस बाखैर आफियत फ्यूल स्टेशन तक पहुंच जाए। अब ये रात को मेरे ख्याल से भट्ट साहब के पास थी कल, भट्ट साहब आई लव यू प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन भट्ट साहब ने तेल ऐसा डाला है कि वो जो पॉइंट्स थे ना वो सिर्फ इशारा थे, वो जैसे ही आपने देखा होगा वीडियो में स्टार्ट हुई गाड़ी 2 पॉइंट से थोड़ा सा आगे गए टिंग पिछला पॉइंट वापस। यार अगर आपके पास ऑल्टो है तो आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसके फ्यूल टैंक में क्या मसला है, खोल खोल के इसको थक जाते हैं, जब भी पंप पे जाओ तो वो निरी शर्मिंदगी वो खुलता ही नहीं है। तो मैंने इसको जाके एक दफ़ा कंपनी से ठीक करवाया, उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन मुझे लगता है ये इसमें नॉन फॉल्ट है। ये उसके बाद से फिर मतलब हफ्ता डेढ़ ठीक चला, उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया। यार सर्विस स्टेशन पर लगने अभी मज़ीद 15-20 मिनट, इतना खड़ा होना मुश्किल है, कल करा लेंगे। That, my friends, is one of the most satisfying sounds on this planet. E-class प्यारी लग रही है ना यार, मैं 90s की गाड़ियों से बाहर निकल ही नहीं पाता। उफ, कमाल। और early 2000s. मेरा टेस्ट मुझे लगता है जिंदगी भर के लिए यही रहेगा। तो यार आया था मैं कैंपिंग का कुछ सामान लेने के लिए, चेयर्स, और यहाँ पे जो वैरायटी अवेलेबल है इसमें कोई 5-6 ये हैं, लेकिन वो ब्लू वाली जो है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और सीटिंग पोस्चर भी मज़े का, लेकिन वो वाली स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। ये वाली जो है इसका साइज़ छोटा है, लग काफ़ी छोटी रही है, किक बैक चेयर है लेकिन बैठने में कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, साइज़ बड़ा छोटा है इसका, पैक होके बड़ी मुख्तसर सी हो जाती है। और ये वाली चेयर जो है दिस वन, ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है भी काफ़ी हार्ड किस्म का, इसका टफ है इसका मटेरियल, ड्यूरेबल भी है लेकिन इसका वज़न अच्छा खासा है, और ये फोल्ड होके इसका साइज़ फिर भी काफ़ी बड़ा ही रहेगा। मतलब ये क्रूज़र के अलावा मैं कैरी नहीं कर सकता किसी मतलब और गाड़ी में, वो छोटी तो ऑल्टो में भी चली जाएगी, लेकिन इसके साथ ये वैसे माहौल ठीक लग रहा है। इसके साथ तो ये टेबल की आइडियल हाइट है ना, मुझे एक टेबल दे दें, दो ये चेयर्स। अच्छा ये किस तरह से पैक हो जाता है, इसका कितना साइज बन जाएगा?
टेबल ला के दिखाते हैं आपको, पैग ला के दिखाते। ये जो किक बैक चेयर है ना यार, ये रिलैक्स करने के लिए बड़ी अच्छी है। ये बेसिकली इस तरह का इसका माहौल है और खुल के ये बड़ी जल्दी उस शेप में आ जाएगी। छोटे बैग में पैक होके इसका साइज बड़ा मुख्तसर हो जाता है। ये पड़ा हुआ साइज, इसकी क्या प्राइस पड़ी थी आपने? ये 5,000 की है, ये वाली 6,000 की है। और जो टेबल है, इस चेयर का ये फ़ायदा होगा कि खाने के लिए अगर कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो काम ज़्यादातर खाने वाने के साथ ही चलते हैं, तो इससे यार एक तो इसमें यह है कि शेल्फ्स भी दो हैं, कप होल्डर्स भी लगे हुए हैं, और इस तरह से जब आप बैठ जाते हैं तो ये चेयर हमारी है, चेयर में भी दो तीन पॉकेट्स हैं इस साइड पे। इसमें फोम की कुशनिंग भी है, आर्मरेस्ट के लिए भी थोड़ा सा इजी सीन हो जाता है और बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट आइडियल हाइट पे आ जाता है। लग तो यही रहा है कि काम बन जाएगा। ठीक है, वो गैसोलीन पेट्रोल वाला है। अच्छा, जो ब्लैक है वो केरोसिन वाला है, ये वाला। इसके साथ जो छोटे बड़े हैं पोर्टेबल जितने हैं, ये सारे ब्यूटेन गैस वाले हैं। ये वाला, इसकी क्या प्राइस है? ये स्टोव जो है, इसमें दो तीन तरह की ऑप्शन है। ये इस टाइम जो इसके साथ गैस लगी, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए -27 तक भी ये ऑपरेट हो सकती है। ऑल राइट, अगर इसमें सिंपल ब्यूटेन गैस कनेक्ट करते हैं तो 2500 का स्टोव होगा और 750 की गैस होगी। गैस इंक्लूडेड नहीं होती स्टोव जितने, उनमें गैस इंक्लूडेड नहीं होगी, खाली स्टोव होंगे। नहीं, 2500 का स्टोव है और गैस 750 की है। हाँ जी, हाँ जी, वो दूसरी वाली। ये अच्छा, ये वाली कितने की है? ये 2000 की है। और इसमें भी बोतल भी लग जाती है और एलपीजी भी कनेक्ट कर सकते हैं आप जो घर। इसकी क्या प्राइस है? ये 5000 का। ये दोनों सोलर हैं और रिचार्जेबल भी हैं। तीन मोड होते हैं। हाँ, SOS भी है। इसकी लाइट ये है, ये लो, ये SOS। ये छोटी वाली जो है ये रिचार्जेबल भी है। ठीक है, और इसमें आप सिंपल और ट्रिपल ए सेल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शंस हैं। एक ये भी है, इसमें ये थ्रो के लिए टॉर्च टाइप। ठीक है, तीन मोड हैं और उसके बाद ये कैंप लाइट है। ऐसे यूज करना है, यूज के बाद सिंपल इसको वापस, ये फोर्क है, ये हो गया। इसके बाद एक इसमें नाइफ है। अच्छा, इसमें ये कि हाथ में तीनों चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी ना। हाँ, और ये सिंपली फोल्डेबल है। हाँ जी, ये नाइफ, बटर नाइफ टाइप है। पर इसको ज़रा पाउच में डालते हैं इन तीनों को। जी, बेल्ट के साथ अटैच कर। फिर आप मुझे दो ये दे दें। ये बोले हाँ अच्छे तो यार ये भी लग रहे हैं, लेकिन इसमें ये डाउन साइड है ना, ये तीनों चीज़ें हाथ में ही हैं एक टाइम पे। हाँ जी, उसका स्पून भी थोड़ा बड़ा है, पुलाव खाने के लिए बेहतर है उससे, तो पुलाव खाते खाते सही है। अच्छा, वो छोटे जो कुकिंग वाले आने हैं वो आपके पास कब आने? वो इंशाल्लाह परसों। चलो, वेरी नाइस टू मीट यू। आपके भाई का यार ये स्टोर है एच ब्लॉक DHA फेज 1 में। सर क्या नाम है आपके स्टोर का? टेक्टिकल एंड हंटिंग गियर्स के नाम है। गूगल बिजनेस पे आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लें, फेसबुक पे सर्च कर लें। ठीक, टेक्टिकल एंड हंटिंग गियर्स के नाम। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी आगे। मैं वो कुकिंग वाली चीजें लेने फिर परसों आता हूँ। हाँ जी, वो उस पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ऑल राइट, आप उस पे कॉन्टेक्ट कर लें। अब मैं जाता हूँ बाहर दोस्तों के पास, व्हाट्सएप वगैरह इंतज़ार कर रहे थे और मैं यहाँ पे आ गया चीज़ें लेने के लिए। चीज़ें जो हैं इनको पहले घर रख ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा घर तो बिल्कुल पास में ही है। चीज़ें घर ड्रॉप कर देता हूँ और मैं आपको बड़ा अच्छा आइडिया देता हूँ। आपने जब भी इस तरह की चीज़ें लेनी हो ना, क्योंकि इनका नेचर ऑफ प्रोडक्ट है कुर्सियाँ, मेज, इस टाइप की चीज़ें, आपने चीज़ें लेनी है और सीधा घर जाना है। घर जाके आपने सबसे पहले करना है, बेगम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, सारा कुछ उन पर डाल दें चुप करके। वैसे आप घर चाहें, अब उन पैसों को एक तो यूटिलिटी है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी, दूसरी यूटिलिटी ये है कि आपने बेगम के सामने मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, इसको आपने अपने उसमें नहीं डाला, इसको आपने गिफ्ट के एक्सपेंस में डालना है। और एक दफ़ा आप बेगम के साथ जाएं टूर पे, ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फिर ज़िंदगी में दोस्तों के साथ जिसके साथ जहाँ मर्जी चलना है बोनस चलता रहेगा। और अगर बेगम ये बातें करते हुए सुने, मेरी बेगम ने भी सुनना है मुझे पता है, लेकिन बेगम मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग यार। अब बंदा मजाक तो कर ही सकता है ना। अच्छा यार, मैं चीज़ें रखने के बाद जा रहा था बाहर क्रूज़र की अलाइनमेंट कराने, लेकिन मेरे पास आ गए दो बॉयज़ और व्हाट्सअप जिन्हें मैं सुबह से ढूंढ रहा था। वैसे टू बी ऑनेस्ट,
व्हाट्सएप की कंपनी नहायत एक बोरिंग चीज है, लेकिन मेरा बचपन का यार है क्लास थ्री से, मेरा डेली लाइफ का पार्टनर है। मेरी भी एक ओपिनियन बोरिंग है। नहीं, 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 एक सेकंड, क्या कह रहे हो हमजा? आवाजार तबीयत के मालिक है ये। हां ठीक है, इनको रोटी के अलावा कुछ आता नहीं। डे जितना बात बड़ा होता जा रहा है ना, अपना कोई इंटरेस्ट मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन मेरा क्लास थ्री का मेरा दोस्त है, मेरी डेली की कंपनी है, मेरा यार है, मेरा टाइम इसके बगैर नहीं गुजरता। ये मेरे साथ बैठा हो ना भी कोई बात कर रहा हो तो आई एम मोर देन हैप्पी। खैर व्हाट्सएप का सीजन आ रहा है, व्हाट्सएप है डिजाइनर शिजाइनर कपड़े चपड़े झूले झूले तैयार करते हैं आजकल, ये मसरूफ है, इनके पास सुबह शाम धूले आ रहे हैं। हमजा भी इनके पास आया, पता नहीं इसने धूला बनना है क्या बनना है। बहरहाल ये बॉयज़ का एक कोई छोटा सा काम है, अब वो काम हम कर लेते हैं। अब करते यार उल्टे काम है, मैं कैमरे पर दिखा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ। काम ही अपना कर लें, उसके बाद कुछ हम ऐसा करें जिससे अपना मूड अच्छा करें। यार भट्ट साहब ने एक दिन कहा था कि भट्ट साहब हम आइसक्रीम खिला रहे हैं, हम व्लॉग में आइसक्रीम खाने गए, हमजा उसके पैसे भट्ट साहब ने दिए? कोई नहीं दिए, मेरे तक। अच्छा पिछले व्लॉग में भट्ट साहब ने कहा भट्ट साहब केएफसी खिला रहे हैं, हम सारे केएफसी गए, भट्ट साहब ने पैसे नहीं दिए, भट्ट साहब ने नहीं खिलाया, वो केएफसी ठुका नासिर को। आज भट्ट साहब इधर देखे माशाल्लाह धूले झूले तैयार होना शुरू। मेरी बात एक सेकंड, ठीक है? मैंने उस दिन हमजा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, हमजा का जो सा अकाउंट में पास एडेड है वो उसका क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है, वो उसमें चले गए पैसे। अभी तो मेरे पास एक रुपया भी नहीं, गोलगप्पे उधार जाके खिला दे यार। अपने क्लाइंट को खिला के आए हो खाना, ये क्लाइंट को क्या कह रहे? आइसक्रीम वाले क्लाइंट को खाना खिला के आया, आइसक्रीम वाले कौन है? ये क्लाइंट खिलाने के लिए इनके पास आया, जिस तरह दुबई के रियल एस्टेट एजेंट है ना, जिनसे आप फ्लैट खरीदो आपको पिक करते हैं ऑडी A8 पे, आपको ले के जाते हैं फाइव स्टार होटल, अगले दिन वाइल्ड वादी, उसके बाद जो मेरा वो पाम क्या बोलते हैं उसको, वो पाम पे जो बना हुआ है उसके नाम निकाल अटलांटिस, और पता चलता है कि वो सारा मक्खन मलाई लगाने के बाद जो आप डाउन पेमेंट करते हैं उसमें से जो कमीशन मिलती है उसका एक छोटा सा पोर्शन उन्होंने खर्चा होता है। यही जो क्लाइंटों को रोटियां खिला रहा है ना, दूल्हे बना रहा है क्लाइंटों को, ये सारा कुछ उस इनिशियल डाउन पेमेंट की कमीशन में से है। हाँ तो ऐसा ही है ना, मेरा हक बनता है यार। ओ भाई अल्लाह आपका हक खोले, अब हमारा क्या कसूर है? माशाल्लाह से काम ही इतना मेरे पास यार, मैं क्लाइंट को खाना खिलाऊंगा, खिलाऊंगा क्लाइंट रोटी खाने के लिए। वैसे बन जाना चाहिए वो भाई को, दोबारा दूल्हा बनना चाहिए। हम सब वोटिंग करवाते हैं, आप सब ने बताना है कि वापस को दोबारा दूल्हा बनना चाहिए कि नहीं। भाई ये जीत जाएगा भाई, इस वोटिंग कराने से बेहतर है मैं ये वोटिंग कराऊं कि तू मेरा यार है कि नहीं है। भाई फर्क है, अपना व्हाट्सएप का एक भी ब्याह नहीं हो रहा तो मेरा दूजा तीजा कराने नु फिरदा है। नाले मैं भी दसदा कि भाई वेखन आले जेडे नाजरीन आईए ना, किसी को चंगा रिश्ता होए ते देख लो मेरा बट जेडा बुड्ढा होंदा जा रहा ते वेख लो जे तानू कोई सुथरा इथे ते देखो बट साहब पीछे ते मुंडा किन्ना सोहना है, अभी तो मैं बखाना है ऑडियंस नु, शायद की पता कोई पक्की कनेडा वाली कुड़ी लभ जे भाई, मुंडा साडा डंगी करान नु बोल रहा है यार, तुसीं कोई कुड़ी लभ दो कोई पक्के पासपोर्ट वाली, एडा पक्का रंग है यार। मुझे लोगों ने आज पता नहीं क्या समझना। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, छड्डो परे भरा ताडा पता नहीं कितने निकल गया यार। इनका जो मशकूक काम था वो ख़त्म हो गया, हम गुलबर्ग में थे तो वहाँ से हमने प्लान बनाया, हम आगे लक्ष्मी चौक के पास अंदर करके ये जगह, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के मशहूर गोलगप्पे मिलते हैं, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे लेकिन आज खाने का सीन बन गया। सारी रात जागी ना सोई वे, तेरी मोहब्बत सताया वे, सारी रात जागी ना सोई वे। और ये बॉयज गोलगप्पे आ गए हैं दो प्लेट। यस यस गोलगप्पे। यार बहुत अलग चीज़ थी, बहुत मज़ा आया, यकीन करो पता नहीं क्या, बस अजीब सा मूड था, ज़रा चटपटी सी चीज़ खाने का। आई डिड ईट अ लॉट, मैंने शायद ज़िंदगी में इतने गोलगप्पे इकट्ठे कभी नहीं खाए जोश में आगे जितने आज खा लिए। आइडिया मुझे यह आया कल मैं अपनी शादी की वीडियो देख रहा था, उसमें जब मैंने गोलगप्पे देखे ना, मैंने कहा बड़े दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए, अब वो सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ था, बस आज आज बात हुई है कि व्हाट्सएप दो प्लेटें पैक करा दूँ। चल पड़ो बस, अब मेरी एक ख्वाहिश है और, आइसक्रीम गोलगप्पे के ऊपर से आइसक्रीम खाने से कुछ होता तो नहीं है ना क्या? और मैंने वो छोटा कप खाना है यार, वो जो सुपर कप होता है। कितने का है? और ये सुपर कप 160 रुपए का पैकेट है। 60 रुपए दिए हैं
यार तू पैसे आज अगर किसी चीज के देने लग गया है तो तू ऐसे हाथ में तूने 100 रुपया उठा लिए। नहीं नहीं भाई ये वही आते हैं जो लाखों रुपया ऐसे यूं उठाया करते थे। डीएचए का वाहिद आदमी है जिन्होंने पूरे डीएचए को लाखों की तादाद में पैसा बांटा। ये बंदा पता है वही तरह मेरी बात है। ओए वो सही कह रहा है, वो किस जमाने की बात कर रहा है? 2020 से लेकर 21 तक एक नामी ग्रामी पूरे डीएचए में उसके बाद क्या हुआ? उड़ा दिए सारे। उसके बाद उड़ा दिए सारे बस गरीबों में बांट मेरा फूल तोड़ने लगे, बांट दिए सारे। ये मोबाइल भी मेरे को भाई ने लेके क्या बात है। ये देखना ये पहचान गया ओसामा, बिल्कुल सही पहचान है। यार ये लव हो गया अपने एक्स्ट्रा आइसक्रीम विद एक्स्ट्रा ओरियो एक्स्ट्रा लव। यार वो गोलगप्पे खाने के बाद ना अमेरिका पीछे बैठा आइसक्रीम गोलगप्पे खाने के बाद तुम लोग को हल्की सी जलन हुई है? मुझे हल्की सी अंदर, इसलिए मुझे आइसक्रीम की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी ठंडा होने के। तो मैं भाईजान लकी इतना हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे साथ वो होता है जो किसी के साथ होता है। ओके गाइस दैट इज इट, आज का व्लॉग यही था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले व्लॉग में। और बाकी एक बात, सारे शुगल अपनी जगह लेकिन भट्ट साहब वाकई कुंवारे हैं और मैं भट्ट साहब की शादी कराने के लिए पूरे जोश व खरोश से जोर मार रहा हूँ। कोई अच्छी लड़की हो ज़रूर मुझसे रब्ता करे, भट्ट साहब से मैं शादी भट्ट साहब की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरे बड़े खूबसूरत हैंडसम दोस्त हैं बचपन, क्या हुआ है? कह रहे हैं भट्ट साहब की शादी कराना चाहता हूँ, क्या गलत है? कोई अच्छी लड़की हो तो मेरे से रब्ता कर ले। पक्की लड़की, अच्छी पक्की नेक सीरत खूबसूरत सारा कुछ। मैंने यही कहा है कि जो अच्छी लड़की मिले मुझसे रब्ता करे, मैं भट्ट साहब की शादी कराना चाहता हूँ। आप अपनी ना दोस्ती कर लेना। यार तुम हो ही मतलब है कि मनहूस बात करने वाले हो। चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना।